नमस्कार किसान भाइयों मेरा नाम है अर्पित और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रसचूषक कीट एवं उनके नियंत्रण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली दवाइयों के बारे में तो किसान भाइयों हो विशेषतः देखा जाए तो ये जो दवाइयां हैं यानी कि तीन विशेषतः सबसे ज़्यादा मार्केट में चर्चित दवाइयाँ हैं पहली जो आती है जैसे कि थायोमेथाग्जाम और थाोमेथाग्जाम बेस्ड दवाइयाँ दूसरी जो आती है इविडाक्लोरोपिट बेस्ड दवाइयाँ और तीसरी जो आती है यानी कि एसिटा वाली दवाइया हैं तो किसान भाई हम सबसे ज़्यादा देखा जाए तो थायोमेथागाम और रिमिडा वाली दवाइयाँ हैं यही सबसे ज़्यादा प्रचलित है यानी मार्केट में सबसे ज़्यादा किसान भाई यानी कि इसका ही इनका ही यूज़ करते हैं तो रसचूसक कीट जो है यानी कि इनका हमारी फसलों पर अटैक होने से हमें क्या क्या नुकसान होता है तो किसान भाई ये रसचूसक कीट देखा जाए तो शुरू से ही हमारी फसल पर काफ़ी ज़्यादा तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं जैसे कि हमारी जो पत्तियां हैं उनका आकार गड़बड़ कर देते हैं इसी के साथ में पत्तियां जो है खुरदुरी टाइप की जाती है साथ ही जो पत्तियों के ऊपर देखा जाए तो हमें छोटे छोटे धब्बे टाइप के दिखेंगे और इसी साथ में जो हमारी पत्तियाँ हैं यानी कि वो मुड़ी हुई रहेंगी साथ ही ऊपर से और देखा जाए तो ये टोटल मिला के देखा जाए तो रस चूसक कीट हमारी पत्तियों का रस चूस करके उसका यानी कि पौधे को बिल्कुल कमजोर बना देते हैं जिससे कि हमारी जो पत्तियाँ हैं पौधों को या जड़ों को ठीक से भोजन नहीं पहुँचा पाती है जिस कारण हमारा जो पौधा है शुरू से ही कमज़ोर सा रहता है तो किसान भाइयों देखा जाता है यानी कि रसचूसकरणों का अटोक अटैक होने से हमारी फसलों पर हमारी पैदावार पर तो प्रभाव पड़ता ही है साथ ही जो पौधाएँ होता है वह भी यानी कमजोर टाइप का हो जाता है तो यानी कि सबसे पहले अगर आप देखा जाए तो थायोमथागाम बेस्ड दवाइयाँ आती हैं इनका इन> यूज़ करके भी आप रस्टूसक कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं इसी के साथ में जो इमिडा क्लोरोपिड आता है यानी कि इसकी भी बहुत सी कंपनियों की दवाइयाँ आती है आप इमिडो क्लोरोपिड कोई सी भी कंपनी का लेकर के भी रस्टूसक कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं इसी के साथ में आप चाहें तो एसीटा का उपयोग करके भी अपने रसूसक कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं तो किसान भाई मार्केट में और भी बहुत सी दवाइयाँ हैं जो कि इमिडा क्लोरोपिट के साथ में भी दो टेक्निकल पाए जाते हैं जैसे कि जो आती है बायर कंपनी की सोलोमन जिसके अंदर इमिडा क्लोरोपिट के साथ में बीटा साइलोथिन पाया जाता है जो कि रस्ूसक कीटों के साथ साथ मक्खियों को भी कंट्रोल करती है जो कि मक्खियों को मारने से हमें एक फ़ायदा यह होता है कि जो मक्खियाँ अंडे देती हैं पौधों के या पत्तियों के ऊपर जिनके कारण जो रस्ूसक कीट उत्पन्न होते हैं यानी कि वह उत्पन्न होना बंद हो जाते हैं तो इसके कारण हमें जो है लंबे समय तक नियंत्रण मिलता है और इस इसी के साथ में यही सेम टेक्निकल जैसे देखा जाए तो थायोमेथागजाम वाली दवाइयाँ भी बहुत सी आती है जैसे सीजेंटा कंपनी की आती है अलीका जिसके अंदर थाथागजाम के साथ में लेमडा साइलोथिन पाया जाता है जो कि यह भी मक्खियों को भी कंट्रोल करती है जिससे कि जो हमारी मक्खियाँ हैं वह कंट्रोल हो जाती है और इनका इसका स्प्रे करने से भी हमें लंबे समय तक नियंत्रण मिलता है तो किसान भाई देखा जाए तो आप सिंगल थाथागजाम ले सकते हैं या फिर इमिडा क्लोरोपिड ले सकते हैं किसी भी कंपनी का या फिर एसीटा ले सकते हैं रशू से कीटों को नियंत्रित करने के लिए और अगर आप मक्खियों को भी कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर थोड़ा फूल के समय स्प्रे कर रहे हैं या फिर फूल से पहले स्प्रे कर रहे हैं जिस समय हमारी फसल जो है अच्छी खासी हो गई है तो उस समय आप मेरे हिसाब से देखा जाए बायर कंपनी की सोलोमन इसका यूज़ कीजिए आपको काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा लंबे समय तक तो किसान भाइयों यही सब कुछ था आज की इस वीडियो में अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन भी जरूर दबाएं तो चलिए किसान भाइयों मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय विज्ञान भारत माता की जय